बाकी जी शो चालू हो रहा है खतरों के खिलाड़ी। हाँ आप लोग मास्क पहने हैं ना? हाँ आप निकालिए। हाँ हाँ मैंने देखा सब लोग, कुछ लोग बहुत अच्छे गए, कुछ लोग एकदम झंडू लोग जैसे गए। पानी कुछ लोग तो इतने कमजोर लोग गए हैं, तो समझ में नहीं जैसे आया कमजोर में। अगर सामने शेर आया या अजगर आया या कोई बड़ा प्राणी आया, पात दिया तो उड़ जाएंगे। मतलब कुछ लोग एकदम, मतलब उनको बिंदु दारा सिंह को लेके जाना चाहिए था। तो सामने शेर आए तो एक मुक्का मारे, यू नो। तो ये राहुल वैद्य क्योंकि अब मुझे पता नहीं, उसके तो बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बैक का प्रॉब्लम है। बट आई प्रे फॉर राहुल वैद्य कि वो सही सलामत आ जाए। निक्की जी भी गई है। हाँ निक्की तंबोली। हाँ अभिनव शुक्ला तो उनके ब्रदर का ये हुआ, और बापरे वही तो, आई एम सैड अबाउट दैट। आखिर जगह आप जाते तो फिर आपको किससे खतरा लगता था? अरे मैं किसी के बाप से नहीं डरती। ये शेर वेर सांप वाप को तो मैं निकल जाती हूँ, ये चूहे बिच्छू क्या है ये वुहान भी पीछे रह जाएगा। तुमको पता मैं किस खानदान से हूँ? जानते हो मुझे मैं कौन हूँ? तुम लोग जानते हो मोगली का नाम सुना था? टारजन मोगली, वो मेरे दादा परदादा थे, तो उनके खानदान से मैं हूँ। सांप को बोलूँ ए चल निकल, चल निकल निकल जाएगा। होगा मैं बोलूँ शेर को, अबे ओ क्या गुर्रा था मेरे सामने, चल निकल शेर निकल जाएगा। ये सांप बिच्छू शेर, मैं थोड़ी डरती हूँ इनसे। हाँ इनको लगता मैं थोड़ी कमजोर हूँ बिग बॉस में। देखो बिग बॉस में घर से बाहर नहीं निकल सकते ना, हाथ टूटा हुआ लेकर ये वो, तो इनको लगता मैं बहुत कमजोर हूँ। तो मैंने तो शीतल को बोला था, शीतल बता तेरी नाक टूटी हुई है ना, जैस्मिन ने तोड़ी है, तेरी नाक टूटी हुई है, तो आगे कुछ हो गया तो हम तो तेरे को लेना चाहते हैं। अरे मैंने कहा मैं मोगली के खानदान की हूँ शीतल, शीतल मतलब हमारे कलर्स की ऑनर जो है। बट हाँ बड़े उस टाइम पे मेरे पास दो बड़े बड़े शो थे जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, तो मैंने खतरों के खिलाड़ी को मैंने सीरियस नहीं लिया। बट अभी सब लोग गए हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे इंजरी कुछ भी नहीं है मेरी बॉडी में, थोड़ा बहुत है, मुझे इतनी इंजरी नहीं है। सिर्फ मेरा लेफ्ट शोल्डर में प्रॉब्लम है, थोड़ा लोअर बैक में प्रॉब्लम है, और लेफ्ट ये पैर में डांसिंग से प्रॉब्लम है। अदरवाइज मुझे कोई इंजरी नहीं है, सिर्फ मेरा नाक का जो सर्जरी है और मेरा एक दो सर्जरी है, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चैनल वाले थोड़ी ना मुझे शेर के मुंह में डाल देंगे, बोलेगा आजा शेर आजा, ये तेरा ये राखी सावंत तेरा आहार है खाना है, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। नहीं फिर भी आप किसको फॉलो करेंगे, कौन सी जोड़ी को सबसे ज्यादा फेवरेट रही जाती है? जोड़ी हाँ जोड़ी तो बनी है कि नहीं मुझे नहीं पता है। कंटेस्टेंट लेंगे कौन रहेगा? कौन कौन गया उसमें? दिव्यंका मेरी फेवरेट है। अभिनव शुक्ला बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है अभिनव शुक्ला ही जीतेंगे, क्योंकि वो किसी के बाप से नहीं डरते। अभिनव शुक्ला ही 1000% जीतेंगे। मुझे लगता है अभिनव शुक्ला ही जीतेंगे। अगर मैं नहीं जीती हूँ तो डेफिनेटली अभिनव शुक्ला, दूसरे तो इतने स्ट्रांग दिख नहीं रहे। दूसरे कौन है नाम बताओ? अर्जुन बिजलानी है। अर्जुन बिजलानी भी स्ट्रांग है। विशाल तो बाप रे, वो तो वो एक है खतरनाक है, विशाल मेरा बहुत फेवरेट है, विशाल भी जीत सकता है। बट अभिनव इसलिए जीतेगा क्योंकि उसको पहाड़ चढ़ने की आदत है, पहाड़ चढ़ता है वो, उसका एक ड्रीम है एवरेस्ट पहाड़ चढ़ना। तो मैं आपको अभी भी गारंटी देती हूँ, विशाल अर्जुन बिजलानी या इस अपना क्या अभिनव, इन तीनों में से कोई भी एक जीतेगा। लेकिन फैंस आपको बहुत मिस करेगा। श्वेता भी है ना? हाँ श्वेता तिवारी। हाँ श्वेता तिवारी सबसे स्ट्रांगेस्ट लड़की है अभी तक, निक्की से भी ज़्यादा स्ट्रांग है श्वेता तिवारी, बिकॉज उसके ज़िंदगी में जो घटा है लाइफ में, उसने इतनी ईमानदारी से उसको फेस किया है। आई लव हर श्वेता तिवारी। निक्की भी स्ट्रांग है, बट जितना मैंने बिग बॉस में देखा है वो टास्क से डर जाती है, बड़े बड़े उसको वॉमिट आ जाती है बड़े बड़े टास्क करने से। लाइक जैसे किसी से लड़ना हाथापाई करना ठीक है, बट आपको ऊपर से फ्लाइट से फेंका जाए तो भैया आखिरी दिन है, भैया भगवान मेरा आखिरी दिन है, यू नो ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खतरों के खिलाड़ी में होती तो मैं फ्लाइट में से ना कॉकपिट में जाके वो पायलट को ही फेंक देती और मैं खुद फ्लाइट चलाती। क्या लगता है आपको?
बहुत अच्छा, वही तो खतरों के खिलाड़ी होता है। सही बात है, सही है। खतरों के खिलाड़ी ये थोड़ी ना होता है कि तुम खुद डाई मारो ऊपर से उड़ी मारो। अरे खतरों के खिलाड़ी का मतलब होता है कुछ अलग नया। हाँ, कुछ अलग देखने को मिले ना कुछ अलग। अरे मैं होती तो अलग होता। ये सांप बिच्छू, ये इंसेक्ट, ये शुतुरमुर्ग, ये क्या नाम है अपना, ये शेर, चीता, लेपर्ड, ये मुझसे बातें करते हैं। क्योंकि मैं ऐसे जाती तो मुझे, अरे हमारे मोगली की बेटी, यू नो, ये मोगली, ये तो मेरे दादा परदादा थे ना। अरे आप लोग नहीं समझते हो, आप लोग इसको समझने के लिए आपको टाइम लगेगा। चलो भैया मैं चलती हूं। थैंक यू, थैंक यू। हेलो राखी जी। हेलो हेलो हेलो। हे महाराष्ट्र बेबी, कार्ड मशीन लाना। अरे यार तो आऊँ अंदर एक सेकंड के लिए, काम चल रहा है क्या? चलो कल ले लेगी पैसा। आप लोग बाहर रहो, मैं आ रही हूँ। ठीक है मैम। क्या कर रहा हूँ, उन्हें दबा डाल रहे हैं। ओके, ये सिसड़ी वाली है, मैं राखी सावंत हूँ। ये श्वेता है, बहुत अच्छी है, मुझे कॉफ़ी देती है। और बगैर कॉफ़ी के, बगैर श्वेता के, मेरी ठंड है। ठीक है, मेरा ड्राइवर कहाँ? बुलाओ क्या? हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। अरे अरे यार, छोटू कहाँ गया? छोटू आ रही है, छोटू आ रहा है, तो अभी छोटू को थोड़ी मैं मिलूंगी। कल हमको भी नहीं दिया आपने लास्ट में। हाँ, क्योंकि यही मेरा अड्डा है। वही सही है, जहाँ पे सबका खड्डा है वही राखी का अड्डा है। थैंक यू। चलना खड़ा है, अभी कभी राइड हो जा, अभी कैंप पे जाना सारा डोस। अभी पूजा भी कर रहे हो घर में, कल है ना 7 से 8, वो कोरोना पेशेंटों के लिए प्रेयर है। क्योंकि मैं प्रभु येशु को बहुत मानती हूँ ना, प्रभु येशु को बहुत मानती हूँ। अरे वो सोचो जो करोना राखी सावंत का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, ये शेर बिच्छू ये इंसेक्ट्स मेरा क्या बिगाड़ेंगे। चीते को मैं ऐसे बोलूंगी ना, एक चीते को आ, हट हट तो भाग जाएगा। ओके बाय बाय।